तो देखो यहाँ पे मैंने जो एरिया था वो सेलेक्ट किया था और वहाँ पे हेयर स्टाइल और हेयर कट डाला था। अब यहाँ पे चार हेयर कट्स मुझे मिल गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप इस फोटो के साथ में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से और भी जो ऑब्जेक्ट चाहो वो आप इस मैजिक एडिट ऑप्शन की सहायता से यहाँ पे लगा सकते हो। मानो आपको यहाँ पे कोई लाइट लगानी है, हैंगिंग लाइट लगानी है, यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है, तो जो आपके दिमाग में क्रिएटिव चीज़ें आती हों वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर हर रोज कुछ नया सीखने की प्रचंड इच्छा रखते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा लेना और ऑल पर क्लिक कर देना। देखो 2 महीने पहले जब से चैट जीपीटी हमारे सामने आया है तब से बहुत सारी एप्लीकेशंस के अंदर एआई का अपडेट होने लग गया है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंडोज के अंदर भी एआई आ गया है और उससे पहले बहुत सारे वेबसाइट्स के बारे में भी आपको बता चुका हूँ, जैसे फोटोशॉप के अंदर भी एआई आया था, गूगल क्रोम के अंदर भी एआई आया था और चैट जीपीटी को आप अच्छे से जानते ही हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैनवा के बारे में। कैनवा एक बहुत ही पॉपुलर ग्राफिक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है। इसे 28 जून 2012 को मेलोनी पर्किंस, स्टीव ऑब्जेक्ट और कैमरून एडम्स ने मिलकर बनाया था। इन तीनों ने मिलकर कैनवा को डिजाइन किया था और कैनवा की मदद से आप ऑनलाइन कंप्यूटर मोबाइल में सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स, पोस्टर, यूट्यूब थंबनेल, डेस्कटॉप वॉलपेपर और भी बहुत सारी चीजें डिजाइन कर सकते हैं। कैनवा में बहुत तरह के अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं और टेम्पलेट्स दिए गए हैं जिनकी मदद से आप बहुत कम टाइम के अंदर विजुअल आर्ट्स, प्रेजेंटेशन, बुक कवर, इन्फोग्राफिक्स, ग्राफ्स, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। कैनवा अगर देखा जाए तो एक तरफ फ्री भी है और कुछ जो टूल हैं उसके पेड भी दिए गए हैं, और फ्री और पेड टूल्स में थोड़ा सा तो अंतर रहता ही है। फ्री कैनवा का यूज़ करके भी आप बहुत सारी चीज़ों को बना सकते हैं। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कैनवा के उन एआई फीचर्स के बारे में जो अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किए गए हैं और जो आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो अभी हमने यहाँ पे कैनवा को ओपन कर लिया है अपने वेब ब्राउजर के अंदर और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं कैनवा प्रो अकाउंट। आप फ्री भी यूज कर सकते हैं और फ्री कैनवा अगर आप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक थंबनेल दिख रहा होगा। इसमें मैंने फ्री कैनवा में कैसे आप अपने जो यूट्यूब थंबनेल्स हैं उनको डिजाइन कर सकते हैं, कैसे फ्री कैनवा को यूज कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आई बटन पे भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। अब प्रो फीचर के अंदर कैनवा के कौन कौन से एआई ऑप्शंस हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम कोई भी यूट्यूब थंबनेल या कुछ भी ओपन कर लेंगे जिससे आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकूं कि आप इन एआई फीचर्स का यूज़ कैसे कर सकते हो। तो यहाँ पे एक ब्लैंक कैनवास मैंने ले लिया है और यहाँ पे अब मैं कोई फोटोग्राफ इंसर्ट कराऊंगा जिससे आपको मैं अच्छे से बता सकूं कि आप कैनवा को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ किड्स एंड इसको एंटर कर देता हूँ और एक फ़ोटो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। ठीक है, जैसे मानो ये फ़ोटो मैंने यहाँ से निकाल लिया इस तरह का। अब जैसे आप फ़ोटो को सेलेक्ट करके एडिट फोटो वाले ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे आपको रिमूव बैकग्राउंड, मैजिक इरेजर, मैजिक एक्सपेंड, मैजिक एडिट, मैजिक ग्रब और ग्रब टेक्स्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब बीजी रिमूव क्या है, एक क्लिक के अंदर आप किसी भी फोटो का जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और आप देखो इस फोटो का जो बैकग्राउंड था वो रिमूव हो गया है। इस फोटो को आप PNG फॉर्मेट में कहीं पे भी सेव कर सकते हो और इसके बैकग्राउंड में आप कोई भी इमेज लगा सकते हो एक सेकेंड के अंदर, देखो इस तरह से। तो ये फीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, इसके लिए आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जाना होता है, लेकिन कैनवा के अंदर आप एक सिंगल क्लिक के अंदर वो आप देख रहे हो कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसने जो फोटो का बैकग्राउंड है वो रिमूव किया है। और सबसे ज़्यादा जो देखने वाली चीज़ है वो है यहाँ पर बालों के पास में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप फोटोशॉप में जाके मैजिक सेलेक्शन करके कैसे भी करते हो तो ये जो इफेक्ट है ये लाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कैनवा AI का यूज़ कर रहा है तो जो बालों के पास की जो कटिंग आप देख रहे हो ये बहुत अच्छी की है। आपको पता है कि आप ये वीडियो देखने के बाद आप में से कोई 5 लकी लोग अपना 7,500 रुपए का फायदा कर सकते हो हमारे सारे प्रीमियम पेन ड्राइव कोर्सेज पर। चलिए जल्दी से समझा देता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है, यहां पर आपको ज्वाइन पेन ड्राइव कोर्स का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इससे आप पहुंच जाएंगे हमारी ऑफलाइन पेन ड्राइव कोर्स की वेबसाइट पर। यहाँ पर आपको एक पेन ड्राइव कोर्स दिखाई देगा, A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स। इस कोर्स में पूरे 19 प्रोफेशनल कोर्सेज शामिल हैं जो कि लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको मिलने वाले हैं, जिसके साथ आपको हमारा खूबसूरत सा ये एक्सेल मग, हमारा
प्रीमियम माउस पैड जिस पर भी बहुत सारे शॉर्टकट कीज आपको प्रिंट करके मिलेंगे, एक फ्री ओटीजी और हमारा जो पेन ड्राइव है वो मिलेगा, जो कि आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिलता है, जिस पर आपको कभी भी इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होगी हमारे कोर्सेज को देखने के लिए। ये पेन ड्राइव 4 डिवाइसेस पे काम कर सकता है, आपके पीसी पर, आपके मोबाइल फोन पर, टैब पर और आपके एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी पर। अब यहाँ पर इस समय अगर इस कोर्स को आप बाय करते हैं तो यहाँ पर 60% का डिस्काउंट चल रहा है, जिससे कोर्स आपको लगभग 4,000 रुपये का पड़ेगा। लेकिन अगर आप कूपन कोड यूज़ करते हैं, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप में से 5 लोगों को ये कोर्स केवल और केवल 2,500 रुपये में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कूपन कोड यूज़ करना है 99PC22 और इसको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जैसे आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आप देख रहे हैं ये कोर्स आपको केवल 2499 यानी 2500 रुपये का मिलेगा। तो जो भी 5 लोग पहले ये कूपन कोड यूज़ करेंगे उनको इस कूपन कोड का फ़ायदा मिल जाएगा। अब चलिए हम कोई और यहाँ पे ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं एक किसी फोटो को, इस तरीके को, ठीक है। ये फोटो हमने ले लिया, अब दोबारा से हम एडिट फोटो पे जाएंगे और यहाँ पे मैजिक इरेजर नाम का ऑप्शन है, हम इसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें कोई ऐसा फोटो लेना होगा जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हों, तो मैं देख लेता हूँ अगर किसी फोटो के अंदर कुछ ऐसा मुझे मिलता है, तो ये फोटो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे टेबल पे ये चश्मा रखा हुआ है और हम यूज़ करेंगे मैजिक इरेजर को। यहाँ पे ब्रश साइज ले लेंगे हम थोड़ा सा बड़ा, और यहाँ से ये जो चश्मा है इसको हम यहाँ से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और 2-3 सेकेंड के लिए छोड़ देंगे। अब ये जो मैजिक इरेजर टूल है अपने आप से इसको पता चल जाएगा कि ये जो एरिया हमने सेलेक्ट किया है इस एरिए से इस ऑब्जेक्ट को रिमूव करना है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा सा अच्छे से सेलेक्ट नहीं किया था, मैं दोबारा से इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ इधर से, और थोड़ा सा हम फिर से वेट करेंगे तो जो चश्मा है उसकी जो शेडो है वो भी वहाँ से इरेज हो जाएगी। इसी तरीके से आपके फोटो में जो भी ऑब्जेक्ट हो जिन्हें आप रिमूव करना चाहते हो तो वो ऐसे रिमूव हो जाएंगे जैसे वो वहाँ पे थे ही नहीं। दोबारा से हम एडिट फोटो के अंदर जाते हैं और यहाँ पे आपको जो अगला ऑप्शन मिलता है मैजिक एक्सपेंड का, यानी आपका जो फोटो है अगर आप चाह रहे हो कि इसे और एक्सपेंड करना है तो आप सिर्फ एडिट फोटो पे क्लिक करो और यहाँ पे मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक कर दो। तो मैजिक एक्सपेंड में आपको सेलेक्ट साइज के ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपको बहुत सारे साइज यहाँ पे दे रखे होंगे। अगर आप चाह रहे हो कि आपका जो फोटो है आपके कैनवास के बीच में है और आप चाह रहे हो कि पूरे होल पेज के साइज का फोटो बन जाए, यानी जो कैनवास है आपका उसके पूरे साइज को ये फोटो कवर कर ले, तो इस तरह से आप होल पेज को सेलेक्ट करो और मैजिक एक्सपेंड पे क्लिक कर दो। तो अभी क्या करेगा, जो AI है वो इस फोटो को एक्सपेंड करेगा कैनवास के हिसाब से। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, देखो किस तरह से एक्सपेंड करता है। आप देखो इसने मुझे 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन ये है, इसने पूरे कैनवास के हिसाब से इसको एक्सपेंड किया है। दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा भी यहाँ पे जो रेडी होके आ गया है, चौथा ऑप्शन ये है। तो इसने AI की मदद से इस फोटो को काफ़ी हद तक बिल्कुल इसके जैसे दिखने जैसा बना दिया है। आजू बाजू का जो एरिया है वो काफ़ी हद तक इसने बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है। इसी यहाँ से डन कर देते हैं। अगर आपको यही चाहिए फोटो, देखो ये कैनवास के हिसाब से इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद जो हमारे पास अगला ऑप्शन आता है वो आता है मैजिक ग्रुप का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस फोटो के अंदर जो जो आपको ऑब्जेक्ट्स हैं अगर आप उनको अलग से ग्रुप करना चाहते हो, उठाना चाहते हो, तो सिंगल इस पे आपको क्लिक करना है। और अभी जो मैजिक होने वाला है उसे आप देखिएगा कि इस फोटो के अंदर से जो भी ऑब्जेक्ट होंगे हम उन्हें बड़ी आसानी के साथ में उठा के अलग कर लेंगे और बैकग्राउंड अलग हो जाएगा। अभी यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो इस तरह से अब मैं इस फोटो को कहीं भी उठा के ले जा सकता हूँ, लेकिन आप देखो कि फोटो का जो बैकग्राउंड है वो अपनी ही जगह पर है। तो इसकी मदद से आप क्या क्या कर सकते हो, आप खुद नीचे कमेंट करके बताना कि ये ऑप्शन आपको कितना यूजफुल लगा है। एक सिंगल क्लिक के अंदर में आपने फोटो को उसको बैकग्राउंड से अलग कर दिया और पीछे का जो पार्ट था वो सेम रहा, यानी ऐसा नहीं लगा कि हमने इसको काट के अलग किया है। इसके बाद जो अगला ऑप्शन है वो है मैजिक एडिट का। और मैजिक एडिट ऑप्शन क्या करता है, आपके फोटो के अंदर कोई भी एक ऑब्जेक्ट इंसर्ट करा सकता है। तो मैजिक इरेजर क्या करता था, मैजिक इरेजर आपके किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी चीज़ को इरेज कर देता था, लेकिन ये क्या कर सकता है, ये एडिट कर सकता है। तो मैजिक एडिट पर हम जाएंगे और यहाँ से किसी भी एरिए को हम सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर हम इनका जो सिर है उस पार्ट को सेलेक्ट करेंगे इस फोटो के को, और थोड़ा सा मैं ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से कंटिन्यू कराएंगे। और इसके बाद में आप देखो यहाँ पे हमको पहले से काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन हम यहाँ पे अलग से कोई एक कमांड देंगे। यहाँ पे मैं हेयर लिख देता हूँ या हेयर स्टाइल या हेयर कट डाल देता हूँ, एंड यहाँ से जनरेट करके देखता हूँ। तो जैसे हमारा एडोब फायरफ्लाई काम करता है बिल्कुल वैसे ही काम करता है, लेकिन ये एक सॉफ्टवेयर के अंदर काम करता है, फायरफ्लाई एक वेबसाइट के ऊपर काम करता है।
और वहाँ पे लोगो भी आता है, लेकिन अगर आप इसका प्रो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो यहाँ पे कोई लोगो नहीं आएगा, कोई वाटरमार्क नहीं आएगा। और इसके जो AI ऑप्शन है ये पूरी तरीके से आपकी हेल्प करेंगे आपके फ़ोटो को एडिट करने में। तो देखो यहाँ पे मैंने जो एरिया था वो सेलेक्ट किया था और वहाँ पे हेयर स्टाइल और हेयर कट डाला था। अब यहाँ पे 4 हेयर कट्स मुझे मिल गए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे आप इस फोटो के साथ में यूज़ कर सकते हो। इसी तरह से और भी जो ऑब्जेक्ट चाहो वो आप इस मैजिक एडिट ऑप्शन की सहायता से यहाँ पे लगा सकते हो। मानो आपको यहाँ पे कोई लाइट लगानी है, हैंगिंग लाइट लगानी है, यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कराना है, तो जो आपके दिमाग में क्रिएटिव चीज़ें आती हों वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आता है यहाँ पे जो अगला ऑप्शन है वो है ग्रब टेक्स्ट। अब ग्रब टेक्स्ट काम कब करेगा, जब आपके इमेज के अंदर कोई टेक्स्ट होगा। तो एक बार हम कुछ ऐसा इमेज यहाँ पे सर्च करके देख लेते हैं जिसके अंदर टेक्स्ट हो। देखो यहाँ पे मैंने एक इमेज सर्च की है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है। अभी हम एडिट फोटो पे जाते हैं और ग्रब टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी देखो क्या होता है, ये टेक्स्ट हमारे पास किस तरह से आता है ये हम देख लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास इस इमेज के अंदर से जो टेक्स्ट है वो आ गया है। जो फॉन्ट है वो थोड़ा सा चेंज हो गया है, लेकिन जो टेक्स्ट है वो आ गया है। अब इस टेक्स्ट को क्या आप एडिट कर पाएंगे, तो मैं यहाँ से इसको एडिट करके देखता हूँ। हाँ बिल्कुल, हम इसको एडिट कर पाएंगे। तो इस तरह से आप कैनवा के इन AI फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं और अपने डेली लाइफ में जो भी ग्राफिक्स आप बनाते हैं कैनवा का यूज़ करके उनको और ज़्यादा बेटर बना सकते हैं। अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं लगातार इस चैनल पे, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा AI फीचर आपको अच्छा लगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।